नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि भाग पांच के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के चार प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन चार प्रकारों के बारे में एक बार फिर जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। एक बार हम फिर रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या दीर्घ स्वर संधि में हम क्या पढ़े। तो आइए देखिए, स्वर लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए दीर्घ स्वर संधि में हम पढ़े कि सजाती वर्ण ही सजाती वर्ण के साथ मिलता है, या तो ओ आ के साथ मिलेगा या तो आ ओ के साथ मिलेगा। दोनों के साथ मिलने पे क्या आएगा, आपका दीर्घ ही बनेगा। यदि अ अ के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ, यदि अ आ के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ, यदि आ अ के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ, यदि आ आ के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ। लेकिन ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर संधि में सजाती वर्ण ही सजाती वर्ण के साथ मिलेंगे। उसी प्रकार ह्रस्व दीर्घ दोनों यहां पर भी है, ई और ई। यहां पर भी यदि ई ई के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ ही बनेगा, यदि ई दीर्घ ई के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ ई बनेगा, यदि दीर्घ ई ह्रस्व ई के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ ई बनेगा, और दीर्घ ई के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ ई बनेगा। उसी प्रकार उ और उ है, यदि ह्रस्व उ के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ उ बनेगा, यदि ह्रस्व उ दीर्घ उ के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ उ बनेगा, यदि दीर्घ उ ह्रस्व उ के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ उ बनेगा, और दीर्घ उ के साथ मिलेगा तो भी दीर्घ उ बनेगा। इस प्रकार हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। गुण स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा, तो गुण स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर निश्चित था, या तो अ या तो आ। पहले शब्द का अंतिम अक्षर निश्चित था, या तो अ या तो आ। लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई ई ऊ ऊ या री होगा। अब इसमें देखिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ है, देखिए तो अब देखिए यहाँ पर सो रहा है अ या। पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ होगा, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर ई होगा तो भी ए बनेगा, और दीर्घ ई होगा तो भी ए बनेगा, चाहे अ हो चाहे आ हो। उसी प्रकार पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ ही है, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर यदि ऊ होगा तो भी ओ बनेगा, और दीर्घ ऊ होगा तो भी ऊ बनेगा। और पहले शब्द का अंतिम अक्षर हम लोग फिर ध्यान रख लें कि अ या आ निश्चित है, लेकिन दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर या तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ या री। अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ए बन जाएगा गुण में, और ऊ का ओ बन जाएगा, और री का अर बन जाएगा, आधा रहोगा अर बन जाएगा। इस प्रकार गुण स्वर संधि में हम लोग जाने। प्यारे बच्चों, तीसरा था वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में हमने क्या देखा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर इसमें भी अ या आ निश्चित है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ निश्चित है। अभी देखिए, अ या आ निश्चित है वृद्धि स्वर संधि में, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर या तो ए होगा या तो ऐ होगा, या तो वो होगा या तो अ होगा। अब देखिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ है, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर या तो ए या तो ऐ होगा, तो भी ए होगा तो भी ऐ बनेगा, और ऐ होगा इसके साथ तो भी ऐ बनेगा। उसी प्रकार पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ होगा, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर ओ या अ होगा। दूसरे शब्द का पहला अक्षर ओ या अ होगा। अब अ या आ के साथ ओ जुड़ेगा तो भी अ बनेगा, और अ जुड़ेगा अ या आ के साथ तो भी अ बनेगा। इस प्रकार हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। प्यारे बच्चों, स्वर संधि का जो चौथा प्रकार हमने जाना था, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या था, अब देखिए यहाँ पे गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में हम लोग पढ़े कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर निश्चित था अ या आ, लेकिन यण स्वर संधि उससे भिन्न है। यण स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगा, या ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ होगा, या री होगा, लेकिन दूसरे शब्द का
अक्षर कोई भिन्न स्वर होगा। ई के साथ जुड़ेगा तो ई से आधा य बन जाएगा, चाहे वो ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ हो ई हो, उससे आधा य बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि यण स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई या ई होगा, ऊ या ऊ होगा, या यहाँ पे री होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई या ई है और उसके साथ कोई भी ए ए ओ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका, आधा य बन जाएगा। ह्रस्व ई होगा तो भी, दीर्घ ई होगी तो भी, आधा य बन जाएगा। उसी प्रकार ऊ या ऊ, पहले शब्द का अंतिम अक्षर ऊ या ऊ होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए ए ओ ओ कोई भी भिन्न स्वर होगा तो उसका क्या बन जाएगा, आधा व बन जाएगा। उसका क्या बनेगा, आधा व। और पहले शब्द का अंतिम अक्षर री होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी भिन्न स्वर होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आधा र बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग यण स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। इस प्रकार हम लोग अब देखेंगे स्वर संधि का पांचवा प्रकार अयादि स्वर संधि के बारे में, कि अयादि स्वर संधि में ऐसा क्या है जो उन स्वर संधि के चारों प्रकार से यह भिन्न है। तो देखेंगे अयादि स्वर संधि की परिभाषा। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने स्वर संधि के चारों प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि का एक बार रिवीजन कर लिया है। अब इसका पांचवा प्रकार है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में ऐसा क्या है जो स्वर संधि के चारों प्रकार से, चारों प्रकार से भिन्न है ये, तो क्या है। अब देखिए यहाँ पे, यदि ए या ए के साथ, ए आया मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो ए होगा या तो ए होगा, उसके साथ अगर कोई विजाति या भिन्न स्वर आकर जुड़ता है तो ए का अय हो जाएगा और अय का आय हो जाएगा, आधा य, यहाँ भी आधा य। इसी प्रकार पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि ओ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी भिन्न स्वर हो तो ओ या अ के स्थान पर कोई भी जाति स्वर आकर मिल जाता है तो क्रमशः ओ का अ हो जाता है, आधा हुआ होता है, और अ का आ हो जाता है, आ देखिए आधा हुआ है। यदि अ में ई जुड़े तो आय हो जाता है। अब देखेंगे, देखा यहाँ पे जैसे, अब देखिए यहाँ पे जैसे ए, पहले ए का हम देखते हैं नियम एक में, ए का नयन, नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन, ने धन अन। अब ने में से ये स्वर निकाल लेंगे यहाँ पे और धन क्या हो गया, अन। अब ने में से ए स्वर निकल गया तो क्या बचा, बिना स्वर के व्यंजन अधूरा हो, बिना स्वर के ये अपूर्ण होते हैं व्यंजन, स्वर मिलने पर ही स्वतंत्र बनते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे न हलंत है, आधा न है, और ए का क्या बन रहा है, हमने पढ़ा यहाँ पे ए से क्या बन रहा है, अय, आधा ये बन रहा है, यहाँ ए से क्या बन गया, अय और अन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए न में अ जुड़ जा रहा है तो न पूरा बन जा रहा है, और य में अ जुड़ जा रहा है तो य पूरा बन जा रहा है, फिर क्या बन गया आपका, न य न। क्लियर हुआ पहला। दूसरा देखते हैं इसमें चयन, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो चे धन अन, चे धन अन। अब चे में से यहाँ पे ए निकाल लिए और यहाँ अन है, अब चे में से ए निकाल लिए तो फिर यहाँ भी क्या बचा आपका, व्यंजन बचा, च आधा च बचा, और ए से क्या बन रहा है, हम लोगों ने देखा ए से अय बन रहा है, आधा य बन रहा है, और ये अन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे चयन बना था, तो च आधा च है उसमें आ के जुड़ जाएगा तो इसको पूरा बना देगा तो च हो गया, और य में अ जुड़ जाएगा तो य बन गया और न, तो क्या हो गया आपका, चयन। ऐसे ही शयन, शयन में आप देखिए से धन अन, से धन अन, यहाँ भी वही आएगा फार्मूला, वही भी सूत्र आएगा, नियम आएगा, से में से ए निकाल लेंगे,
ए निकल गया तो यहाँ आधा स बचा, और यहाँ अन, यहाँ पे देखिए ये आधा स है, यहाँ पे आधा स है, और आधा स और ए से क्या बन रहा है, अय बन रहा है, आधा य बन रहा है और अ है, अस्वर है, अय बन रहा है, धन यहाँ पे अन। अब यहाँ पे स में अ जुड़ जाएगा तो ये सब पूरा हो जाएगा, एक स्वतंत्र शब्द तैयार हो जाएगा, स हो जाएगा, य आधा है, य में अ जुड़ जाएगा तो य पूरा हो जाएगा, और न तो क्या हो गया आपका शयन। अब यहाँ देखिए अय से कैसे बन रहा है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अय होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी भिन्न स्वर होगा, तो देखिए किस प्रकार अय से आय बन रहा है, आधा य। नायक, नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो नय धन अक, अय और अ। अब देखिए नय में से अय निकाल लेंगे, आधा न बचेगा और यहाँ पे अक हो जाएगा। अब अय से क्या बन रहा है, हम लोगों ने देखा परिभाषा में, इसके नियम में अय से आय बन रहा है, आधा य बन रहा है और यहाँ पे अक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधा न है, आधा न में आ आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ना, और य में अ जुड़ जाएगा तो पूरा य बन जाएगा नायक। अगला है गायक, गायक में यहाँ भी देखिए संधि भी छेद करेंगे तो गय धन अक, गय में से अय निकाल लेंगे, अक का अक ही रहेगा। अब अय से क्या बन गया, आय बन गया, यहाँ पे आधा य बना, आधा ग यहाँ बचा। अब आधा ग धन, अय से जो आय बना धन अक, अब यहाँ पे देखेंगे ग में आ जुड़ेगा तो गा बन जाएगा, य में अ जुड़ेगा तो य पूरा बन जाएगा, और क तो गायक। इसी प्रकार ओ नियम से देखेंगे, ओ स्वर से देखेंगे कि किस प्रकार पहले शब्द का अंतिम अक्षर ओ होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी भिन्न स्वर होगा तो किस प्रकार ये बनेगा। इसमें देखिए भवन, किस प्रकार वह बन रहा है भवन, भवन का संधि विच्छेद करेंगे तो भोधन अन, भोधन अन। अब भो है, भ में क्या लगा हुआ है स्वर, ओ लगा हुआ है, यहाँ पे स्वर को ले लेंगे, निकाल लेंगे और अन का अन ही रहेगा। अब यहाँ पे जब ओ निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, आधा भ बचा, और वो से हम लोगों ने देखा क्या बन रहा है, अ बन रहा है, आधा वह बन रहा है, अ पूरा है, अ बन रहा है, धन यहाँ पर अन। अब अ आ करके भ में मिल जाएगा तो भ स्वतंत्र हो जाएगा, पूरा भ बन जाएगा वो, और व में आकर अ मिल जाएगा अर्थात व की मदद अ कर देगा तो ये पूरा व बन जाएगा, इस प्रकार भ व न। क्लियर हुआ सबको। अगला पवन, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो पोधन अन, पोधन अन। अब पो में कौन सा स्वर लगा हुआ है, ओ से क्या बन रहा है, अ बन रहा है, ओ से अ बन रहा है, ओ निकाल लिए यहाँ अन हो गया। अब जब ओ निकल गया प में से तो यहाँ क्या बचा, आधा प बचा, और धन ओ से क्या बन गया, अ बन गया, और धन यहाँ पे अन। अब प आपका यहाँ देखिए आधा है, अ आकर के प की मदद कर देगा, प पूरा बन जाएगा, यहाँ आधा व है, अ आकर के व की मदद करेगा, व पूरा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा प व न, इस प्रकार वह बन रहा है। अगला है हवन, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो हो धन अन, हो धन अन। हो में फिर कौन सा स्वर है, यहाँ पे ओ स्वर है, ओ को यहाँ पे निकाल लेंगे और धन यहाँ पे अन हो गया। अब ओ को निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा आपका, आधा ह बचा, यहाँ पे ओ को निकाल लिए तो क्या बचा आपका, आधा ह बचा, यहाँ पे आधा ह धन, ओ से क्या बन गया, अ बन गया है और धन अन। अब यहाँ पे देखिए आधा ह है, आधा ह की मदद कौन कर रहा है, अ कर रहा है, स्वर आके अ स्वर आके ह में मिल जा रहा है, पूरा ह बन जा रहा है, यहाँ पे आधा व बचा, अ आ करके व की मदद कर रहा है, व पूरा बन जा रहा है, तो क्या हो गया आपका ह व न। प्यारे बच्चों अब देखेंगे पहले शब्द का अंतिम अक्षर अयादि संधि में यदि अ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी भिन्न स्वर हो तो देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए पावन, पावन का संधि विच्छेद करेंगे तो पौधन अन, पौधन अन। अब प में कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ स्वर लगा हुआ है और यहाँ पे अन। अब अ यहाँ से निकाल लेंगे
तो यहाँ पे क्या बचा, आधा प बचा। और से हम लोगों ने पढ़ा क्या बन रहा है, आओ बन रहा है और धन अन। अब प यहाँ पे आधा है, आ आ करके प की मदद कर रहा है तो प क्या हो जा रहा है, पा बन जा रहा है। वह में आकर अ मदद कर रहा है तो वह पूरा बन जा रहा है तो पावन। ठीक है, अगला आपका पावक। यहाँ भी संधि विच्छेद करेंगे तो पौधन अक। प में कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ स्वर लगा हुआ है, प से अ को निकाल लेंगे धन अक। अब जब प से अ निकल गया तो क्या बचा, प व्यंजन बचा, आधा प बचा। और अ से क्या बन रहा है, आओ बन रहा है और धन अक। यहाँ पे प आधा है इसलिए आ आकर के क्या कर रहा है, प की मदद कर रहा है। प में आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। व में अ मिल जाएगा तो पूरा, आधा व में अ मिलेगा तो पूरा व बन जाएगा, पावक। और अ की है पावक। अगला है शावक। शावक में शवधन अक, शवधन अक। शव में कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ स्वर लगा हुआ है, अ को यहाँ निकाल लेंगे धन अक। अब फिर नीचे देखेंगे, जब अ निकल गया तो यहाँ क्या बचा आपका, आधा श बचा। और अ से क्या बन रहा है, आओ बन रहा है और धन अक। अब यहाँ पे आधा श है, आधा श को अ आकर के मदद कर देगा, जुड़ जाएगा तो शाह बन जाएगा। और वह आधा है, अ आकर मदद कर देगा व का तो पूरा व बन जाएगा और यहाँ पे क, तो क्या हो जाएगा आपका, शावक। अगला है, अब देखिए और अलग है इसमें, अन्य और है विलय। यह यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है, विलय, विले धन अ, विले धन अ। अब विले एम ले में से हम क्या करेंगे, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, यहाँ पे ए है जो हम लोग पहले पढ़े हैं, देखिए उसका सबका ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आयादि संधि में। तो ये निकाल लिए यहाँ पे और धन क्या हो गया, अ हो गया। और जब ये निकाल लिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। और यहाँ पे आधा ल बचा, ये निकल गया है, और ए का क्या बचा, अ बचा, और धन क्या हो गया आपका, अ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी अ आकर ल की मदद कर देगा और य की मदद कर देगा अ, तो क्या हो जाएगा आपका, वी ल य। अगला है विजय। अब यहाँ पे विजय में देखिए, विजय धन अ, विजय धन अ में आप देखेंगे विजय, जब में पहले शब्द का अंतिम अक्षर ये है, ए को यहाँ निकाल लेंगे और धन अ। अब यहाँ पे चाहेंगे तो विज भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बीज समझाने के लिए मैं अलग लिखी हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे वी ये हो जाएगा पूरा है, और ज में से ए निकल गया है, आधा ज बचा है, और ए से क्या बन गया आपका, अ बन गया है और धन अ। अब यहाँ पे देखेंगे जब ज है, ज की मदद कौन करेगा, अ कर देगा है, क्योंकि ज में अ जुड़ जाएगा, ज पूरा बन जाएगा, य की मदद अ कर देगा तो यह पूरा बन जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा विजय। अगला है गायिका। गायिका का देखिए, गय धन इका, गय धन इका। अब गय में से अय निकाल लेंगे धन इका, अय यहाँ पे निकल गया, अब यहाँ पे आधा ग बचा, और अय का आय हो गया, आधा यह हो रहा है, और इका यहाँ पे है। अब ग की मदद आ करेगा तो गा बन जाएगा, और य की मदद ई करेगा तो छोटी बन जाएगा, इस प्रकार बन गया है गायिका। अगला है विधायक। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विधय धन अक, विधय धन अक। आय है यहाँ पे, अब ध में आय लगा हुआ है, आय को यहाँ निकाल लेंगे, आधा ध बचा, यहाँ पे विध भी लिख सकते हैं, आधा ध लिख सकते हैं, या अलग भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वी धन, आधा ध धन, आय धन अक। आय कैसे आया, आय का क्या बन गया है, आय बन गया है, पढ़ चुके हम लोग, आय का आय बन गया है। अब ध की मदद आ करेगा तो धा बन जाएगा, य की मदद अ करेगा तो पूरा यह बन जाएगा, इस प्रकार क्या बन जाएगा, विधायक। देख लेंगे आया है विधायक। अगला है भावक। भाव धन अक, भाव धन अक। इसमें क्या है आपका, देखिए स्वर क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है स्वर, अ धन अक। भव में से अ निकल गया तो क्या बचा, आधा भव। भव में से अ निकल गया तो क्या बचा, आधा भव। और अ से क्या बन रहा है, अ बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए धन अक, अब भव की मदद आ कर देगा, अर्थात भव में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, भा। और व में अ जुड़ जाएगा तो व और क, इस प्रकार क्या बन गया, ये भावक।
अगला है दायक। दायक में दय धन अक, दय धन अक। अब द में से ए निकाल लिए, धन अक ए निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे, आधा द बचा। ऐसे क्या बन रहा है, आय बच रहा है। ऐसे क्या बन रहा है, आय बन रहा है, आधा य और धन अक। अब यहाँ पे द की मदद कर देगा, द में जुड़ जाएगा आ तो दा बन जाएगा, य में जुड़ जाएगा ओ तो यह पूरा बन जाएगा। इस प्रकार क्या बन जाएगा आपका, दायक बन जाएगा। अगला है नाविक, नव धन इक। नाविक नव धन इक। अब यहाँ पे न में कौन सा स्वर लगा हुआ है, औ स्वर लगा हुआ है, और धन क्या है इक। अब न में से औ निकल गया तो यहाँ क्या बचा, आधा न। औ से क्या बन रहा है, आव बन रहा है, और धन इक। अब यहाँ पे देखेंगे न में आ जुड़ जाएगा अर्थात न की मदद आ कर देगा तो क्या बन जाएगा, ना। और व की मदद ई करेगा तो क्या बन जाएगा, वी, वी बन जाएगा। और कौन तो क्या हो गया आपका, नाविक। भावना, भावना में भाव धन अना, भाव धन अना। भाव में से भाव में कौन सा स्वर लगा हुआ है, औ स्वर लगा हुआ है, औ को यहाँ निकाल लिए, धन अना हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, आधा भ बचा, औ से क्या बन रहा है, आव बन रहा है, धन अना। अब भ आधा है, इसकी मदद कौन करेगा, इसकी मदद आ कर रहा है, भ में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा। व की मदद अ कर रहा है तो पूरा व बन जाएगा, और ना तो क्या बन जाए आपका, भावना। धाविका, ध धन इका। अब यहाँ पे देखेंगे ध में से अ स्वर निकाल लेंगे तो अ धन यहाँ पे इका। जब अ स्वर निकल गया तो यहाँ क्या बचा आपका, आधा ध बचा, धन अ से क्या बन गया, आओ बन गया, और धन क्या हो गया आपका, इका। अब ध की मदद आ कर रहा है तो धा हो गया, व की मदद ई कर रहा है तो वी हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, धाविका। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने स्वर संधि के पांचों प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। शेष अगले वीडियो में, धन्यवाद।